दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश रोजाना पूरे हरियाणा में एक सीरीज चला रहा है जो हर पार्टी के संभावित उम्मीदवारों के हम साक्षात्कार ले रहे हैं कि उनको क्यों टिकट मिलना चाहिए, उनकी दावेदारी के पीछे क्या राज है और उनकी क्या तैयारियां हैं। तो इस तरीके से न केवल फरीदाबाद ज़िले में बल्कि पूरे हरियाणा में हम ये सीरीज चला रहे हैं। आज इस कड़ी में आज हमारे साथ भाजपा के नेता श्याम सुंदर कपूर जी हैं, जो पुराने नेता हैं, पहले भी लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं और इस बार उन्होंने बड़कल फरीदाबाद विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी ठोकी है। और उसके पीछे क्या है, वो क्या चाहते हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, एक जो जिस सीट पर लड़ना चाहते हैं वर्तमान में सीमा तिरखा, वहाँ से बड़कल से विधायक क्या हैं और न केवल विधायक बल्कि हरियाणा की मंत्री भी हैं। तो हम कपूर साहब से जानेंगे कि इन हालातों में जो दो बार की विधायक सीमा तिरखा जी हैं, तो वो पार्टी उन्हें हटाकर, एक मंत्री को हटाकर उनको क्यों टिकट देगी और वो क्यों टिकट चाहते हैं, इन सारे मुद्दों पर आइए बातचीत करते हैं। आज हमारे साथ हैं भाजपा नेता श्याम सुंदर कपूर जी। तो कपूर साहब, पिछले दिनों अचानक आप मीडिया के सामने आए और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और मीडिया के सामने आपने दावा ठोका कि मैं बड़कल विधानसभा क्षेत्र 87 से चुनाव लड़ूंगा और भाजपा हाईकमान मुझे इस विधानसभा क्षेत्र से टिकट देने जा रही है और आपके इरादों से भी हमें लगता है, क्योंकि पूरे शहर में आपने बैनर झंडे उंडे भी शुरू कर दिए हैं, अखबारों में भी आपके विज्ञापन हैं भावी उम्मीदवार के। तो अचानक आप मीडिया के सामने आए, क्या क्या तैयारियां हैं और आपको क्या कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्रीय मंत्री हैं और फरीदाबाद के सांसद हैं उनसे कुछ उम्मीद है या डायरेक्ट आपकी हाईकमान से किसी से बातचीत चल रही है और हमारे दर्शक भी और फरीदाबाद के लोग भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर भाजपा हाईकमान आपको टिकट क्यों देगा और आप क्यों इस मैदान में कूदे। सबसे पहले जगन्नाथ जी, आपका यहाँ आने पर मैं स्वागत करता हूँ और नमस्कार। देश रोजाना जो मुहिम चला रहा है वो वाकई में आपकी छत्र छाया में बहुत अच्छी चल रही है, मैं इसको अक्सर देखता रहता हूँ। जी धन्यवाद। जहाँ तक संबंध है मेरे कैंडिडेट होने का विधानसभा में MLA के लिए, देखिए कैंडिडेट तो हमेशा ही बदले जाते हैं, प्रधानमंत्री भी बदल जाते हैं। अच्छा, इंदिरा गांधी भी बदल गई थी, मंत्री बदलते हैं, ये डिपेंड करता है जनता के ऊपर। जी, जनता किसे चाहती है और किसे नहीं चाहती। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी भी आज की तारीख में पूरे हरियाणा में से बहुत सारी टिकटें काट के नए युवाओं को देगी या नए लोगों को देगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी महसूस कर रही है कि जो पुराने हमारे चाहे मंत्री हों चाहे MLA हों, जनता उनसे संतुष्ट नहीं है। नहीं नहीं, आप कहना चाह रहे हैं कि न केवल पूरे हरियाणा में जो 90 सीटें हैं उस पर भाजपा हाईकमान वर्तमान जितने भी मतलब MLA जीते थे उनमें से बहुतों के टिकट कट सकते हैं। बिल्कुल कटेगी जी, जो मीडिया बता रहा है, पब्लिक बता रही है, बड़े लोगों की बड़े बड़े नेताओं की स्टेटमेंट आ रही है, 20-25 टिकटें कट सकती हैं। 20-25? बिल्कुल टिकट, मतलब है यदि 40 सीट पर भाजपा जीती थी तो आधी से ज़्यादा टिकट। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही नए प्रयोग करके जीतती है, उन्होंने जिस तरह गुजरात में किया, पूरे पूरे उड़ा दिए और गुजरात में भाजपा की गवर्नमेंट आई। भारतीय जनता पार्टी उससे लगाव करती है जो सत्ता में लोगों की सेवा करता है।
जो सेवा नहीं करेगा उनकी असेसमेंट होती है, उनकी अपनी टीम है और उन साथ साथ उनका सर्वे है। सर्वे में जो फिट होगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो उन्हें मंत्री हटाना पड़े, चाहे वो संतरी हटाना पड़े, वो हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? वो चाहते हैं जनता की सेवा होनी चाहिए, जनता जिससे नाराज है वो पार्टी में नहीं रहेगा। मैं बीच में आपको टोकूंगा। एक तो पिछले सवाल पर लौटता हूँ कि आपने कहा कि आधे से ज़्यादा उम्मीदवार बदले जाएंगे जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, और तो फरीदाबाद की 6 विधानसभा सीटें हैं या लोकसभा की, फरीदाबाद लोकसभा सीट के अंदर 9 सीटें हैं, तो आपको क्या लगता है कि फरीदाबाद की 6 और पलवल की 3 सीटों में से भी कितने उम्मीदवार बदले जा सकते हैं? देखो जी, मुझे लगने से मतलब नहीं है, ये जनता की आवाज़ की बात कर रहा हूँ मैं। जनता की आवाज़ है कम से कम 3-4 उम्मीदवार इनमें, इस 9 में से हटाए जाएंगे, नए लाए जाएंगे। 3-4? हाँ जी। 6 में से या 9 में से? 9 में से। 9 में से कितने? 3 या 4। 4 मतलब जो जनता की आवाज़ बोल रही है। अच्छा, मैं जनता की आवाज़ बता रहा हूँ, मेरी अपनी आवाज़ नहीं है। अच्छा जी, ये जो आप बात कर रहे हैं, आपने एक प्रेस नोट भी मतलब जारी किया था कि भाई विधानसभा क्षेत्र बड़कल से आपको लगता है कि भाई जब आपको कहीं उम्मीद दिखाई दी है और आप टिकट मांग रहे हैं, मुख्य दावेदारी पेश कर रहे हैं, जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, इसका मतलब है सीधे सीधे कहीं ना कहीं आपको इशारा हुआ होगा। तो एक मंत्री का टिकट काट के, यानी सीमा त्रिखा जी का टिकट काट के आपको टिकट क्यों देगा हाईकमान? जहाँ तक इशारे के सवाल है, मुझे तो जनता का इशारा हुआ है। जनता ने मुझे कहा है कि आपने तो पहले भी बड़ी सेवा की थी, अब आप क्यों चुप बैठे हो? जी, मैं तो जनता के आदेश पे बाहर आया हूँ, पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता हूँ, और विधान अभी जो इलेक्शन हुआ था कृष्णपाल जी का लोकसभा का, मैंने उस टाइम दिखा दिया कि जनता मेरे साथ है। मैंने बहुत बड़ी जनसभा की थी अपने अपने इलाके में, और कृष्णपाल जी भी बड़े खुश थे। आखिर में जनसभा 22-25 का इलेक्शन था, 22 को मैंने जनसभा की और बड़ी कामयाब थी, जिसमें कि हर संस्था का प्रतिनिधि था वहाँ पर, चाहे वो रेजिडेंशियल एसोसिएशन हो, चाहे मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारे हो, चाहे चाहे और संस्थाएं हो, सारी संस्थाएं पूरे फरीदाबाद की मेरे यहाँ पर मेरा सहयोग करने और कृष्णपाल जी को जिताने के लिए एक आवाज़ में इकट्ठी हुई और हमने जिता के दिखाया। लेकिन जो चर्चा है फरीदाबाद में, तो ये माना जाता है कि केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर जी का वरदहस्त तो सीमा त्रिखा जी के साथ रहा है। देखो जी, ऐसे है, वो तो कृष्णपाल जी जाने या सीमा त्रिखा जाने, हर एक को अपने कर्म करने, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, अगर पार्टी मुझे अच्छा समझेगी तो मुझे टिकट दे देगी। अभी आपने कहा कि इस क्षेत्र की जनता जो है संतुष्ट नहीं है, फरीदाबाद में जितने विकास कार्य होने चाहिए थे या जो जनता चाहती थी और उनकी जो डिमांड थी उन पर काम नहीं हुआ, तो आप ये मानते हैं? देखो जी, मेरे पास, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता के साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, हमारे पास जनता खूब आती है, कभी कहते हैं सफाई नहीं है, कभी कहते हैं सड़कें टूटी पड़ी हैं, कहीं कभी कहते हैं पानी नहीं है। तो ये जो यहाँ का MLA है उसका बिजली नहीं, बिजली पानी जो भी है, ये उनका फर्ज बनता है कि जनता को संतुष्ट करें, लेकिन हम तो अपनी पार्टी की वजह से जनता को समझा के उनको संतुष्ट करके भेज देते हैं, लेकिन जनता में सीमा के त्रिखा के प्रति काफ़ी नाराजगी है। वो सब ये जनता की आवाज़ बोल रहा हूँ मैं, अपनी आवाज़ नहीं बोल रहा। तो पार्टी जो है हर एक देखती है कि ये कैंडिडेट रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, अब ये पार्टी का डिसीजन है, वो इनको टिकट देती है नहीं देती है, लेकिन हमें तो अपनी दावेदारी पेश करनी है, क्योंकि हम अगर पेश ही नहीं करेंगे तो फिर टिकट चेंज कैसे होगा? पार्टी को भी तो नए आदमी जरूर नहीं है कि उसी को दें, पार्टी भी तो नए आदमी को दे सकती है। आपने कहा कि जनता आपको चाहती है, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता कह रही है कि वो संतुष्ट नहीं है वर्तमान विधायक से, मंत्री से, और आप आगे आके चुनाव लड़ो, तो ये तो जनता कह रही है, लेकिन जनता के कहने से भी खाली टिकट नहीं मिलता, इतने हाईकमान का इशारा ना हो तो कोई इशारा इस तरीके का? देखो जी, हाईकमान अपना सर्वे कराती है,
अगर मेरा सर्वे सही होगा तो हाई कोर्ट मानना पड़े आप कंसीडर करेगी, अगर मेरा सर्वे नहीं होगा तो कोई बात नहीं। नहीं, आप ये मानते हैं कि सीमा त्रिका का सर्वे ठीक नहीं है? नहीं नहीं, मैं क्यों बोलूँगा, तो सर्वे वाले एक कॉन्फिडेंशियल सर्वे होता है, ये तो सर्वे वाले बताएंगे, हाईकमान के सामने जब पेश होगा तो पता लगेगा। चलिए, आप कई सामाजिक संगठनों से भी जुड़े हुए हैं और बताइए, वैसे आप कैमरे के सामने बताएं कितने सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं, आपका क्या क्या शहर? हमारी एक इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है, ऑल इंडिया फोरम ऑफ एमएसएमई। अच्छा, जिसमें मैं उसका नेशनल प्रेसिडेंट हूं। हमारे हिंदुस्तान के अंदर कम से कम 800 हमारे इंडस्ट्री से हमारे मेंबर हैं। अच्छा, तो वो हम चला रहे हैं। पीछे हमने गवर्नर साहब भी बुलाए थे हरियाणा के, और मुखी साहब भी बुलाए थे, बहुत बड़ा फंक्शन मैगपाई में किया था। हम समय समय पर इंडस्ट्रीज के लिए जो एक्चुअली प्रैक्टिकल काम है वो हम उनको गाइड करते हैं और उनके हम कार्य करके इंडस्ट्रीज के जो इंडस्ट्रियल की हरियाणा गवर्नमेंट के पॉलिसी हैं उनका बेनिफिट हम टाइम टू टाइम दिलाते रहते हैं। और किन सामाजिक संगठनों से? ये तो व्यापारिक हो गया। मैं तो धार्मिक सामाजिक संगठन मियांवाली का, मियांवाली बिरादरी का मैं प्रधान हूँ। यानी मियांवाली का मतलब हो गया जो पाकिस्तान से आए थे, उसका मैं मुझे प्रधान संगठन ने बना रखा है। और इंडिया में मियांवाली बिरादरी का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ, साथ साथ फ्रंटियर बिरादरी का मैं चेयरमैन हूँ, बनवाल बिरादरी से जुड़ा हुआ हूँ, और कई पार्क हैं, एक शिवाजी पार्क का प्रेसिडेंट हूँ मैं, और बहुत सारी संस्थाएं हैं सामाजिक धार्मिक जिनके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ और पदाधिकारी भी हूँ। अच्छा, तो वैसे आम तौर पर ऐसा कम ही देखा गया कि उद्योगपति थोड़ा राजनीति से चुनाव से थोड़ा दूर रहते हैं, लड़ते हैं, बहुत सारे नाम भी हैं जो राजनीति में आए हैं, सफल भी हुए हैं। तो चलिए, ये तो आपका अधिकार है, भारत का नागरिक होने के नाते संविधान अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। मान लीजिए आपको टिकट मिल जाता है, तो जो कथित रूप से जनता कह रही है कि भाई हम वर्तमान विधायक ने फरीदाबाद क्षेत्र में या बड़गल विधानसभा क्षेत्र में वो विकास कार्य नहीं कराए जो होने चाहिए थे, चाहे बिजली का है, पानी का है, सड़क का है, या रोजगार का है, या सीवरेज का है, शुद्ध पेयजल का है, जो भी आम समस्याएं होती हैं, तो या गरीबों की भी बात करते हैं, यहाँ जो लाखों की तादाद में इंडस्ट्रियल टाउन होने के नाते मजदूरों की बड़ी लाखों की संख्या है, तो इन सब स्थितियों में यदि आप विधायक बनते हैं या मंत्री बनते हैं तो उनके लिए आपकी क्या क्या योजनाएं होंगी और किस तरीके से आप जनता के सामने जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि भाई मैं इसलिए आया हूं और यदि मैं जीता तो आपके लिए ये कार्य करूँगा। गौतम जी, हमारा जो शहर है फरीदाबाद, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन है, तो इसमें हमारे यहाँ मजदूर भाई बहनें बहुत सारी हैं, लाखों हैं, लेकिन आज से नहीं पिछले 70-80 साल से मैं उनको देख रहा हूँ कि झुग्गी झोपड़ी में या पहाड़ी के ऊपर रह रहे हैं, जहाँ पे जन सुविधाएं नहीं हैं, पानी की उन्हें समस्या है, टैंकर आते हैं, टैंकर वाले उनको पानी दे जाते हैं, पैसे ले जाते हैं, वो पानी भी खरीद के पीते हैं। अच्छा, जो कि गवर्नमेंट को हमारी चाहिए कि टैंकर सिस्टम हटा के सीधा ही टूटी पहुँचाई जाए। और मैं सबसे पहले बात ये कहूँगा, जितनी भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं यहाँ पर बसी हुई हैं, उन सब को रेगुलराइज कर दिया जाए। अच्छा, क्योंकि हटाई तो जा ही नहीं सकती, सच्चाई तो ये है, जब एक चीज़ हटाई नहीं जा सकती तो उसको वहीं पर ही उसको रेगुलराइज कर दिया जाए। रेगुलराइज करके उनको मूलभूत सुविधाएँ जो होती हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्कूल है, पार्क है, सब चीज़ें उनको मुहैया करा के उनका जो नारकीय जीवन है उनको उनका जीवन स्तर उठाना चाहिए, उनके बच्चों को उठाना चाहिए, जिससे कि वो ये महसूस करें कि हम देश के, भारत देश के नागरिक हैं। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप विधायक बने या लॉटरी खुल गई और आप मंत्री बन गए तो आपकी पहली प्राथमिकता लाखों मजदूरों के लिए जो गंदी बस्तियों में रहते हैं, स्लम बस्तियों में रहते हैं, उनको मूलभूत सुविधाएं पहुंचाना, स्कूल, सड़क, बिजली, शुद्ध पेयजल, टोंटी से नल पहुंचाना,
तो ये शब्द हैं आपकी, मतलब आप प्राथमिक तौर पर ये काम करोगे? बिल्कुल करेंगे गौतम साहब, ये हमारा फर्ज है। कोई भी MLA विधायक बनता है, जनता का प्रतिनिधि बनता है, तो सबसे पहले नीचे लेवल के आदमियों को उनको ऊपर उठाना चाहिए। मेरी इच्छा है कि मैं इन झुग्गी झोपड़े में भाई बहन जो रह रहे हैं, इनके बच्चे रह रहे हैं, इनका जीवन स्तर को ऊपर उठाना और इनको अच्छी एजुकेशन भी दिलाना, अच्छे स्कूल होने चाहिए। कुछ लघु उद्योगों के लिए भी करेंगे? कहा माना जाता है कि भाई नोटबंदी के बाद जो है कुछ छोटे उद्योगों की, जो जिसमें 10, 20, 50, 100 वर्कर काम करते थे, उनकी कमर टूट गई, GST से भी उन्हें कोई तकलीफ हुई है, कई बहुत सारे कारण रहे, उनके लिए भी कोई प्लानिंग है आपकी? ऐसी लघु उद्योगों से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, हमारी संस्था जुड़ी हुई है। लघु उद्योग के लिए मोदी जी ने बड़ी अच्छी स्कीम लेकर आई थी, उनको टाइम टू टाइम हेल्प किया है, ऐसी बात नहीं किया। अच्छा, उनको बगैर इंटरेस्ट के लोन भी दिया गया, उनको अपग्रेड किया गया, लेकिन मिला उन्हीं को जिनका रिकॉर्ड बैंक में अच्छा था। जो डिफाल्टर थे उनको दिक्कत रही, लेकिन कहानी क्या है, लघु उद्योग जो है उनके लिए हरियाणा गवर्नमेंट की स्कीम बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन उनको जो है पता ही नहीं है कि हमें क्या करना है, क्योंकि वो बेचारा सवेरे उठता है, रात तक अपना काम करता रहता है, वो वर्कर भी खुद है, वो मालिक भी खुद है, अकाउंटेंट भी खुद है, वो इतना बिजी होता है, रात कब हो जाती है उसको पता नहीं चलता। इसी के लिए हम ऑल इंडिया फॉर्म ऑफ MSME की तरफ से हरियाणा गवर्नमेंट की जो अच्छी अच्छी स्कीम है उनको गाइड करते हैं, उनको हेल्प करते हैं, और उनको हेल्प मिल भी रही है। अगर वो एग्जीबिशन फॉरन में लगाता है तो उनको गवर्नमेंट 6 लाख रुपये देती है, वो 6 लाख रुपये हम दिलाते हैं। इंडिया में लगाता है तो 5 लाख देती है, तो 5 लाख भी दिलाते हैं। स्कीमें जो हैं वो भी बताते हैं उनको हम। बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्री एसोसिएशन हैं वो स्कीम नहीं बताती, वो अपना उल्लू सीधा करके साइड हो जाती हैं, लेकिन हम एक्चुअली उनको गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, CLU स्कीम बहुत अच्छी है गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की, तो हम उसके ऊपर उनको गाइड करते हैं, और गाइड करके उनको बेनिफिट मिल रहा है बहुत ज़्यादा। चलते चलते एक सवाल और, क्योंकि नगर निगम से आम लोगों का बड़ा वास्ता पड़ता है, और नगर निगम में बिना सुविधा शुल्क के कोई काम होता नहीं है, नगर निगम में भारी भ्रष्टाचार की बात कही जाती है, बहुत पीड़ित हैं नगर निगम से लोग, नगर निगम अधिकारियों से, कर्मचारियों से, बाबुओं से, और ये किसी से छिपा नहीं है, और नगर निगम में 200 करोड़ तक का रिश्वत का भी मामला आया था, जिसमें जो है बिना काम के ही 200 करोड़ ठेकेदारों को, अधिकारियों की और सबकी मिली भगत से, नेताओं की मिली भगत से, जो भी उनमें संलिप्त रहेंगे, एक आदमी तो कोई फैसला ले नहीं सकता, तो इस तरीके का भ्रष्टाचार है, तो नगर निगम में सुधार के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, जनता जो है वो इसके ऊपर बड़ी चर्चा कर रही है, घोटालों के ऊपर जनता परेशान भी होती है। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये बेलगाम हो चुके हैं, इनको लगाम लगाने के लिए एक अच्छा MLA, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। अगर ये लगाम लगाए तो पब्लिक को सहूलियतें मिलेंगी, तो कम से कम पब्लिक का रुख भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ जरूर होगा। जहाँ तक लगाम की बात है, हमें अपने इंटरेस्ट से ऊपर उठ के काम करना पड़ेगा। अगर MLA का या मंत्री का अपना कभी इंटरेस्ट होगा तो अधिकारी तो उसका फ़ायदा उठाते हैं। अपना इंटरेस्ट छोड़ो, पब्लिक की सेवा करने के लिए हम आए हैं, पब्लिक की सेवा करेंगे तभी जाके पब्लिक सुखी होगी। चलिए, चलते चलते आखिर में एक सवाल और, कि कई लोगों का मानना है कि बे NIT फरीदाबाद, इसमें जो है जो पाकिस्तान से जो बंटवारे के समय 1947 में शरणार्थी आए थे, कि इस सीट पर, बड़कल सीट पर उस पंजाबी वर्ग का हक बनता है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं, और भाजपा नेताओं के सामने इस बात को रखेंगे कि ये सीट जो है पंजाबियों के लिए ही आरक्षित होनी चाहिए थी, जिस तरीके से NIT पहले पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी वर्ग के लिए आरक्षित थी, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक बहुत सारा पंजाबी वर्ग हमसे ये बात करता है, जहाँ तक संबंध है पंजाबी का पाकिस्तान से आए हुए, खास तौर से उन पंजाबियों का,
भारतीय जनता पार्टी ने तो काटे नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने तो वो सीट दी है, सीट तो कांग्रेस नहीं दे रही। अच्छा, कांग्रेस को समझना चाहिए कि पंजाबियों को वो हक मार रही है। अगर कांग्रेस पंजाबियों को हक मारेगी यहाँ पर, तो कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कोई यहाँ पे कुछ इस बड़कर सीट पे कुछ मिलेगा। लेकिन आप भी कांग्रेस में पहले रहे हैं? रहे थे तो, अब तो नहीं है ना, ऐसे तो दुनिया रही है और दुनिया गई है, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, उससे आज मतलब दल बदलने का कोई मतलब नहीं है? दल बदलने का कोई ताल्लुक नहीं है। आप ये बताओ गौतम साहब, मैं कहीं बेईमानी किया तो बताओ, कहीं हेरा फेरी किया तो बताओ, कहीं कब्जा किया तो बताओ, कहीं कोई गलत काम किया तो बताओ, वो बताओ मुझे। नहीं नहीं, चलिए वो तो हम, अगर मैं कहीं भी रहा तो मैंने समाज की सेवा की है। आज तक मेरे पे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सका, ना उठाने दूंगा। चलिए, राजनीति ईमानदारी से करूंगा। अगर आगे मैं एमएलए बना, मंत्री बना, तो लोगों की सेवा करूंगा, ईमानदारी से करूंगा। मैं अपनी इंडस्ट्री चलाता हूं, मुझे रोटी प्रभु दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कोई भ्रष्टाचार मैं नहीं करूंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, ये थे भाजपा नेता श्याम सुंदर कपूर जी, जो बड़कल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के संभावित उम्मीदवार हैं। इनको, इन्होंने जो कहा है उनकी बातों को नोट कर लीजिए। यदि ये जीत कर आए तो उनको भविष्य में ये आप इंटरव्यू दिखा सकते हैं कि आपने हमसे क्या क्या वादे किए थे। तो दोस्तों, आज इस साक्षात्कार को यहीं पर समाप्त करते हैं। कपूर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौतम साहब, आपका धन्यवाद। लंबी चौड़ी बातचीत हुई और आपने हमारे सवालों के डटकर जवाब दिए। अब बाकी फैसला भाजपा हाईकमान के हाथ में और उसके बाद जनता के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी। वो आपका कितना साथ देती है, हाईकमान आपको का कितना साथ देती है, टिकट देगा। गौतम जी, आपका और देश रोजाना का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।